अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी, क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे, और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं, इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए, राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ, ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठी हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे, राहुल आई नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी, पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं, वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा, चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुंह में गुनगुनाने लगा, बात किससे करूंगा। अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं, अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे? जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा, चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है, और हाँ ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे, इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है, मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आपका इस तरीके से बैठने से कोई फायदा है? जब ऊपर वाले को मंजूर होगा तभी तो बारिश होगी। बना लो राहुल, जितनी मजाक बनाना है बना लो मेरी, तुम्हारे पास तो वाटर पंप है, तुम्हारे तो मजे हैं। हमसे पूछो, हमारे पास कोई वाटर पंप थोड़ी है, हम तो बारिश के ही सहारे हैं। लेकिन राहुल, पूरा महीना होने को जा रहा है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है इस जमीन पर, ऊपर सूरज की चमक को देख नहीं मिल रहा है, इतनी तेज गर्मी हो रही है कि मैंने तो सारे के सारे कपड़े निकाल दिए। देखो तुम्हारे पास वाटर पंप है, तुमने अपने खेत में धान की फसल लगा दी, लेकिन मेरे पास वाटर पंप थोड़ी है, मैं तो बारिश के सहारे हूँ। देखो तुम्हारे बराबर में मेरा खेत ऐसी बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, क्या करूँ मैं? जब बारिश होगी तभी धान की फसल लगाऊंगा। अरे मोदी जी, आप तो भड़क जाती हो, मैंने आपसे मना किया है, मेरे वाटर पंप से अपने खेत में भी पानी कर लो। राहुल चलो, तुम अपने वाटर पंप से एक दिन मेरे खेत में पानी भर दोगे और मैं धान की फसल लगा लूं, उसके बाद जब खेत को सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा, फिर धान सूखने लगेगा, तो तुम बार बार अपने वाटर पंप से मेरे खेत की सिंचाई थोड़ी कर दोगे, इसीलिए मुझे तो बारिश का सहारा है। मोदी जी, आप भी बात ऐसी कहते हो, 100 सुनार की एक लोहार की। अरे आपका खेत मेरे खेत के बराबर में है, तो मेरा फर्ज बनता है तुम मेरे वाटर पंप से जितनी भी बार सिंचाई करो कर सकते हो। राहुल, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मोदी जी सही कह रहे हैं, तुम एक दिन उनके खेत में अपने वाटर पंप से सिंचाई कर दोगे, 2 दिन सिंचाई कर दोगे, 3रे दिन तुम ही कहोगे भाई अपना वाटर पंप खुद खरीद लाओ। इसीलिए भाई मोदी जी की तरह हम भी हैं, जब तक आसमान से 4 बूंदें नहीं गिरेंगे तब तक अपनी धान की फसल नहीं लगाएंगे। अरे लालू जी कहाँ जा रहे हो, बैठो थोड़ी देर, अरे योगी जी भी आ गए। अरे राहुल, तुम्हारी धान की पौध तो तैयार होने वाली है, सब ये तुम्हारे वाटर पंप का कमाल है, क्योंकि वाटर पंप है तुम्हारे पास भाई। हाँ योगी जी, राहुल से मैं भी यही कह रहा हूँ कि मजे तो भाई राहुल तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे पास वाटर पंप है, तुम तो धान की फसल आज लगा लो कल लगा लो, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमें तो बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखो मौसम विभाग ने 18, 19, 20 जून की तरफ बारिश बताई है, उसी बारिश का इंतजार कर रहा हूँ तभी धान की फसल। राहुल, ये बोईवाला रेलवे स्टेशन है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? अरे हाँ योगी जी, ये बोईवाला रेलवे स्टेशन है जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और जिसके लिए इंतजार कर रहा था वो भी आ गए, देखो मोदी जी चाय लेकर, क्योंकि इस स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही एक ही चीज याद आती है, मोदी जी की चाय। मोदी जी जल्दी से 2 चाय दे दो, आज योगी जी को भी आपकी हाथ की चाय पिलाऊंगा और मैं भी पीऊंगा।
अरे मोदी जी ये कहो आप यहाँ पर मिल गए, नहीं तो इस राहुल ने तो आपकी चाय की तारीफ करते करते मेरे कान पका दिए रास्ते पर। इसी स्टेशन का इंतजार कर रहे थे हम लोग बहुत देर से कि कब ये स्टेशन आएगा, कब हम लोग आपके हाथ की चाय पियेंगे। मैं तो इतनी देर से तुम लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चाय बोलेगी। मेरे इस चाय के कप की एक चुस्की लो फिर बताओ। जैसे राहुल इस स्टेशन का इंतजार कर रहा था वैसे जब भी आप सफर पर निकलोगे तो यही कहोगे कि मोदी जी जहाँ चाय बेचते हैं उसी स्टेशन से ट्रेन गुजरे और एक कप चाय मिल जाए मोदी जी के हाथ की। बुरा मत मानना, मैं अपनी तारीफ भी अपने मुंह नहीं करता हूँ। राहुल से तुमने सुनी लिया होगा उसके मुंह। राहुल तुम बहुत दिन बाद इस रास्ते से गुजरे और घर पे मम्मी उम्मी ठीक है तुम्हारी? पिछली बार तो मम्मी को लेके गए थे तुम। अरे हाँ मोदी जी, मम्मी उम्मी तो सब ठीक है, बस आपके चाय की नामबरी करती रहती है। क्या करूँ, घर तक चाय ले नहीं जा सकता क्योंकि ठंडी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपके हाथ की बनी हुई चाय घर ले जाता और मम्मी जी को पिलाता। मम्मी जी आपके हाथ की चाय की बहुत तारीफ भी करती हैं। लेकिन मोदी जी आप इस चाय में कौन सा मसाला मिलाते, कौन सी चाय की पत्ती डालते जो इतनी मजेदार होती है आपकी चाय? अब योगी जी एक बात बताओ, ये चाय मैं कैसे बनाता हूँ ये तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तुम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हो और पहली बार ही चाय मेरी पी रहे हो। पहली बार में ही तुम मुझसे ये पूछने लगे मैं चाय कैसे बनाता हूँ। राहुल ने तो ये सवाल मुझसे कभी नहीं पूछा। अरे योगी जी आप भी बेफालतू के सवाल करते हो, खाली चाय पियो। ये चाय कैसे बनती है ये पूछने की क्या जरूरत थी मोदी जी से आपको? राहुल जरूरत थी इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मोदी जी बता खुना दो ये चाय कैसे बनाते हो। मैं सोच रहा हूँ अपने गांव में मैं भी एक चाय की दुकान खोल लूं और आप ही की तरह चाय बनाऊं जिसे पीकर लोग बार बार पीने के लिए आए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।